वेलकम टू एन अकेडमी। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का टॉपिक रहेगा करंट अफेयर में राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। तो 1949 से लेकर के 2024 में जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, अब तक के जितने भी अपने चीफ मिनिस्टर्स रहे राजस्थान के, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है इनसे कुछ क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। सो अपन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक ब्रीफ नॉलेज लेंगे, ज्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे। तो इतना देखेंगे कि एग्जाम में अपन को नाम मालूम हो, कौन सा मनोनीत थे, कौन से कांग्रेस के थे, कौन से कहां से थे, और प्रेसिडेंट रूल कब आया था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगती है, ये वाली वीडियो, तो आप प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। एन अकेडमी फॉर आरएस करके हमारे एक टेलीग्राम पेज है, उस पर हम सभी वीडियोज की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मतलब एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन भी हम वहां पर अपलोड करते रहते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन जरूर करें। सो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान, वर्तमान तक के सभी जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में मतलब ब्रीफ में देखेंगे। तो टोटल अभी तक 25 चीफ मिनिस्टर्स रहे राजस्थान में। सो फर्स्ट थे हमारे श्री हीरालाल शास्त्री जी, और अभी जो वर्तमान में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब लाइक प्रेजेंट में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं श्री अशोक गहलोत जी, जो कि 17 दिसंबर 2018 को हमारे राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री तीसरी बार बने थे। सो अपन स्टार्टिंग से देखते हैं कौन कौन हमारा मुख्यमंत्री रहा, इनके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री जी, जो कि 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए, और 5 जनवरी 1951 तक इनको मुख्यमंत्री पद पर रखा गया। उसके बाद फिर परिवर्तन किए गए, तो वो परिवर्तन सभी स्टेट्स में, सभी पार्टीज में चलते रहते हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, चले जाते हैं, बहुमत खत्म हो जाता है तो फिर नए मुख्यमंत्री का इलेक्शन किया जाता है। तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है। तो अपन को सारी चीजों में नहीं जाना, हमें सिर्फ मुख्यमंत्री के नेम्स देखना है, कौन मुख्यमंत्री रहा, किस ईयर में रहा, कितनी बार रहा, ये सारा हमको देखना है। तो आप साथ में लिखते चलिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, उसमें लिखते चलिए कौन कितनी बार रहा, ये आपकी होमवर्क रहेगा। सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हमारे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री जी। सेकंड चीफ मिनिस्टर रहे हमारे सी एस वेंकटाचारी जी, जो कि 1951 से 1951, मतलब 6 जनवरी से 25 अप्रैल तक ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान स्टेट के फर्स्ट मनोनीत मुख्यमंत्री थे, और सी एस वेंकटाचार्य जी राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपने जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी 1951 से 1952 तक चीफ मिनिस्टर रहे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। फिर है हमारे फोर्थ चीफ मिनिस्टर श्री टीकाराम पालीवाल जी, जो कि 1952 से 1952, मतलब मार्च से और अक्टूबर तक ये हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। बहुत जल्दी जल्दी चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहे थे उस टाइम पीरियड में, बिकॉज नया नया स्टेट बना था, देश नया नया आजाद हुआ था, तो इस कारण इतने जल्दबाजी मतलब पॉसिबल थी कि जल्दी जल्दी चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहे थे। ये सारा पॉसिबल होता है ऐसे टाइम पीरियड में, जब हमारा देश नया नया आजाद हो, नया स्टेट कॉन्स्टिट्यूट हुआ हो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो अपन को इन चीजों में नहीं जाना कि कौन कितने दिन का रहा, कौन क्या रहा, हमें ये जानना है कि हमारा टॉपिक ही यही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री। सो जयनारायण व्यास जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे 1952 से 1954 तक। मोहनलाल सुखाड़िया जी सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताओगे मोहनलाल सुखाड़िया जी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री रहे 1954 में 1957 तक। फिर सेकंड टाइम मुख्यमंत्री रहे 57 से 62 तक। फिर थर्ड टाइम मुख्यमंत्री रहे 1962 से 67 तक। तो तीन बार मुख्यमंत्री होने के बाद फिर आया प्रेसिडेंट रूल राजस्थान में। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया, जो कि कब से कब तक लगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक 13 मार्च 1967 to 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन हमारे देश में रहा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में सर्वपरवी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के अंडर देश को चलाया जाता है। फिर 9th नंबर पर है मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, और इस बार 1967 से 1971 तक ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं। फिर आते हैं बरकतुल्ला खान जी, जो कि 1971 से 1973 तक राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। मोहनलाल सुखाड़िया जी चार बार मुख्यमंत्री रहे, जो कि राजस्थान के अभी तक के सबसे अधिक मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और बरकतुल्ला खान साहब 1971 से 1973 तक कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आए हमारे 11th नंबर पर हरिदेव जोशी जी, जो कि 1973 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर आए भैरव सिंह शेखावत जी 1977 से 1980 तक चीफ मिनिस्टर रहे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह जी। फिर आए जगन्नाथ पहाड़िया जी 1980 से 1981 तक। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री,
अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री, शेड्यूल कास्ट से फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हमारे राजस्थान के जगन्नाथ पाड़िया जी। इंपॉर्टेंट है अनुसूचित जाति के प्रथम प्रधान चीफ मिनिस्टर कौन रहे, ठीक है, राजस्थान के तो कौन रहे, जगन्नाथ पाड़िया जी। फिर आते हैं हमारे 14th चीफ मिनिस्टर जो कि हैं शिवचरण माथुर जी, 1981 से 1985 तक चीफ मिनिस्टर रहे। फिर आते हैं 15th नंबर पर हीरालाल देवपुरा जी जो कि 1985 से 1985, मतलब इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, ठीक है, जो कि सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री रहे, लाइक 16 डेज का, 16 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। राजस्थान में सबसे कम दिनों का जो कार्यकाल रहा है वो हीरालाल देवपुरा जी का रहा है, जो कि कितने दिन का रहा है, 16 दिन का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार बार चीफ मिनिस्टर कौन रहे, चार बार चीफ मिनिस्टर रहे मोहनलाल सुखाड़िया जी, सबसे अधिक कार्यकाल रहा इनका, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, हीरालाल देवपुरा जी का, 16 दिन का, ठीक है। अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे राजस्थान के, जगन्नाथ पाड़िया जी। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे, भैरव सिंह शेखावत जी। फिर आते हैं 16 नंबर पर हरिदेव जोशी जी, हरिदेव जोशी जी 1985 से 1988 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर आते हैं शिवचरण माथुर जी, शिवचरण माथुर जी 1988 से 1989 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर आते हैं भैरव सिंह शेखावत जी, हरिदेव जोशी जी, हरिदेव जोशी जाते हैं शिवचरण माथुर जी के जस्ट बाद नंबर आता है हरिदेव जोशी जी का राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए, जो कि आता है 1989 से 1990 तक, जो कि अमिताभ बच्चन का टाइम पीरियड जो बोलते हैं ना अपन, उसमें तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी जी। फिर आते हैं फिर से भैरव सिंह शेखावत जी का पीरियड शुरू होता है, जो भैरव सिंह शेखावत जी लगातार 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के 1990 से 1992 से 1998, मतलब कुल मिला के कुछ 9 साल का टाइम पीरियड रहा भैरव सिंह जी का राजस्थान में, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 1990 से 1992 दूसरी बार रहे, 1992 से 1998 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे। फिर आई हमारे देश में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी की सरकार, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर बने राजस्थान के पहली बार 1998 में अशोक गहलोत जी पहली बार राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने 2003 तक। फिर आई श्रीमती वसुंधरा राजे जी जो कि 2003 से 2008 तक पहली बार राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री बनी। फिर इन दोनों का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे की, जो एक बार अशोक गहलोत की सरकार एक बार वसुंधरा राजे जी की सरकार, ऐसे सरकार चलती रहती है राजस्थान में। सो फिर आते हैं 23rd टाइम पे बनते हैं चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, जो कि 2008 से 2013 तक पूरा टाइम पीरियड रहा, यहाँ पे भी पूरा टाइम पीरियड रहा, यहाँ पे भी पूरा रहा, यहाँ पे भी पूरा रहा। फिर आते हैं श्रीमती वसुंधरा राजे जी 2013 से 2018 तक पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर आते हैं श्री अशोक गहलोत जी जो कि राजस्थान के 25th चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि 2018 से 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा, 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा, 2018 से 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा, जो कि दिसंबर में वोटिंग होने को है। सो हमारा टॉपिक था 1949 से 2024, सो 24 में नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, लाइक 23 की एंडिंग में ही नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, तो हम उसको भी अपडेट कर देंगे जो भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अभी अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम कांग्रेस को रिपीट करेंगे, वसुंधरा राजे जी कहते हैं कि हम पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो ये चलता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में। तो ये थे हमारे राजस्थान के अभी तक के 25 चीफ मिनिस्टर्स, और एक बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब रहा, 1967 से 1967 में ही रहा, 67 में 13 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक ये राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू रहा। तो ये सारा था राजस्थान के प्रारंभ से वर्तमान तक के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में। अगर आपको पीडीएफ अच्छी लगी हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट अच्छा था तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट्स टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।